स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिर एक बार देखने को मिल रही है रिश्तों की अनबन। असल में अबीरा का बेटा दक्ष जो किडनैप हुआ था उसको लेकर रोहित काफी परेशान है और उसी बात से उसने एक फैसला ले लिया है। भाई दक्ष सही सलामत घर तो लौट आया है, सभी लोग काफी खुश हैं और देखिए कैसे दक्ष के लिए रखी गई है खास पूजा जिसमें बैठे हैं अभीरा और अरमान। ये तो बड़ों का ही डिसीजन होता है और कहीं ना कहीं हर एक जो परंपरा है हर एक पूजा जो है वो हमारा परिवार जो है एक साथ मनाता है और दक्ष के आने की खुशी में तो डेफिनेटली ये पूजा होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित को बातें खटक रही है, उसे लग रहा है कि अभीरा उसके बच्चे दक्ष का ध्यान ठीक से नहीं रख रही है, इसीलिए अब रोहित ने फैसला ले लिया है कि वो अन्नप्राशन की रस्म के दौरान सबको सच बता देगा और साथ ही उसने अरमान को ये भी कह डाला है कि अन्नप्राशन के दिन दक्ष के बतौर माँ बाप बनकर रोहित और रूही ही बैठेंगे। इसी बात से अरमान परेशान है क्योंकि वो अभीरा को ये बात कैसे बताए उसे समझ ही नहीं आ रहा। तैयारी नहीं कर रही और मैं आपको अभी से कह दूँ अल्लाह प्रशद के दिन पूरी अपनी दीदी को अपनी गोद में लेके पूजा भी करेगी। आपके पास थर्सडे तक का टाइम है, तब तक हिम्मत जुटा के सब सच अमीरा भाभी को बता दें। जी जो पूरा सीन है मुद्दा यह है कि रोहित ने अरमान भैया से कह दिया है कि अब अन्नप्राशन की जो पूजा है वो रूही दक्ष को अपनी गोद में लेके करेगी, कुछ भी हो जाए सारी तैयारियां रोहित करेगा क्योंकि रोहित जो है वही दक्ष का पिता है। और ये बात उसने आंखों में आंखें डाल के अपने बड़े भाई से कह दी है और ये भी कह दिया है कि आपके पास नेक्स्ट थर्सडे तक का वक्त है, आप हिम्मत जुटा के आप अबीरा भाभी से सब सच कह दो वरना मैं कह दूँगा। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं एक स्टेटमेंट जो है वो रोहित ने अपने बड़े भाई से कह दिया। भाई रोहित ने तो अरमान को अल्टीमेटम दे दिया है लेकिन इस बात से अनजान है अभीरा। तभी तो परेशान अरमान को देखकर वो रोहित से सवाल करने लगती है, ऐसे में रोहित उसे कुछ बताता है जिस वजह से अरमान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। एक्चुअली अबीरा भाभी देख रही हैं कि अरमान भैया बहुत परेशान हैं, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कोई बात है जो अरमान भैया उनसे छुपा रहे हैं, इसलिए वो मेरे पास आती हैं रोहित के पास आती हैं और कहती हैं कि रोहित बताओ क्या बात है वो जिस वजह से वो इतने थोड़े अलग से बिहेव कर रहे हैं। और ऐसा उन्हें शक हो गया है अब कि कुछ तो है जो अरमान भैया अबीरा भाभी से छुपा रहे हैं। हाँ तो रोहित ने अभी आप देखेंगे कि रोहित ने बता दिया है कि एक बहुत बड़ी बात है जो अरमान भैया आपसे छुपा रहे हैं, अब वो क्या बात है वो आपको एपिसोड में पता चलेगा। तो भाई अब रोहित का ये फैसला कितना अटल है और क्या वाकई अबीरा को अरमान ये सच बता देगा कि दक्ष उसका नहीं बल्कि रूही और रोहित का बेटा है, और ये जानने के बाद अबीरा की क्या हालत होगी ये देखना होगा क्योंकि फिलहाल तो यहाँ चल रही है बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानियाँ। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।